प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप यात्रा के बाद भारतीय इस आइलैंड को लेकर सबसे ज्यादा सर्च कर रहे हैं। लक्षद्वीप घूमने की ख्वाहिश लिए पर्यटक यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर और साफ सफाई से जुड़े कई सवाल खोज रहे हैं। अमिताभ कांत से आज तक ने खास बातचीत की है। इस बातचीत में अमिताभ कांत ने बताया है कि लक्षद्वीप को लेकर भारत की मौजूदा सरकार की योजना बीते 8 साल से चल रही है। आइए जानते हैं कि मोदी सरकार किस तरह लक्षद्वीप के बदलाव के काम में जुटी हुई है। सर, इस समय लक्षद्वीप सबसे बड़ा हॉट टॉपिक है और नीति आयोग की ओर से भी लक्षद्वीप में इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी को लेकर के बहुत सारी सिफारिशें दी गई थी। सबसे की पॉइंट आपको क्या लग रहा है कि अगर जिस तरह से हम कम्पीट करने की सोच रहे हैं कि दुनिया के सबसे खूबसूरत आइलैंड में हो, हमें सबसे पहले क्या करने की जरूरत है? नहीं, प्राइम मिनिस्टर ने बहुत सही प्रमोट किया है उसको वहां जाके, और इसकी जो प्रिस्टीन ब्यूटी है हमारे आइलैंड्स की, पीएम ये करीब 7-8 साल से काम करवा रहे थे हम लोगों से कि सारे आइलैंड्स इंडिया के हों, ना केवल लक्षद्वीप बट अंडमान निकोबार और जितने आइलैंड्स हैं सबको उस पर फोकस करना चाहिए, और बहुत काम उस पर किया गया नीति आयोग से, और कई आइलैंड्स पर फोकस किया है पिछले, ये आज की कहानी नहीं है, पिछले 8-9 साल से पीएम इसके पीछे लगे हुए थे, और आप देख रहे हैं इनका डेवलपमेंट ना केवल अंडमान में, ना केवल लक्षद्वीप में, और आगे चल के ये जो ब्यूटी है हमारे देश की, ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर सबसे सुंदर और सबसे मनोहर आइलैंड्स बन के निकलेंगे, और हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट और रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म पर फोकस होगा इनका, और आगे चल के ये बहुत डेवलप होंगे और दुनिया के सबसे अच्छे टूरिज्म स्पॉट्स में डेवलप होंगे। इसमें दो चुनौतियां जो दिखाई देती हैं वो ये कि जब आप मालदीव जाते हैं आपके पास आइलैंड टू आइलैंड कनेक्टिविटी है, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर रहने की बेहतर व्यवस्था दिखती है, उस कंपेयर में जब आप लक्षद्वीप देखते हैं तो कहीं न कहीं वहां पर वो कमी दिखाई देती है, और जब तक वो नहीं होता तब तक शायद आप पर्यटकों की वो संख्या वहां उम्मीद नहीं कर सकते। नहीं तो देखिए, यहाँ ना जो डेवलपमेंट आइलैंड्स का होता है वो कैरिंग कैपेसिटी के बेसिस पे होता है, और इसकी सारी स्टडीज हुई हैं, और लक्षद्वीप में जैसे एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने बोला कि वो आपके दो आइलैंड्स सुहेली और कटमत ताज ग्रुप को बिड के बाद दिए गए, उसके अलावा बंगाराम में टेंटेड अकोमोडेशन डेवलप हो रहा है, तो कई आइलैंड्स में कंट्री आगे बढ़ा है, और आगे चल के ये सब डेवलपमेंट होगा कैरिंग कैपेसिटी के बेसिस पर। इसी पे जो दूसरी चुनौती आती है कि जब ये कैपेसिटी बढ़ेगी, क्षमता बढ़ेगी, आपके वेस्टेज और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पर्यावरण को ध्यान में रखती है, तो जो आपकी जो आइलैंड कमेटी बनाई गई थी कोऑर्डिनेशन की इनको इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, उसमें बहुत सारी सिफारिशें थी, उन सिफारिशों में इसको डील करने के लिए क्या सुझाव दिए गए? तो मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि स्वच्छ भारत की अप्रोच, कैरिंग कैपेसिटी की अप्रोच, रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म की अप्रोच के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने यही हम लोग को गाइडेंस दी थी कि आप लोग रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म के साथ, स्वच्छ भारत के साथ इन सबको डेवलप कीजिए, और वही स्ट्रैटेजी अडॉप्ट हुई है सारे आइलैंड्स के लिए। लक्षद्वीप का चेहरा कब तक बदल जाएगा? ये तो एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने बताया है कि वो काफी कार्रवाई कर रहे हैं और इसको आगे ले जा रहे हैं। आपको ये पेशकश कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही स्टोरीज और अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें आज तक AI।